में जो कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो कहाँ पे काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का यूज कहाँ पे है? जैसे एक तो आप लोगों को स्पीड फाइंड आउट करनी हो, या फिर आप लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, या फिर आप लोगों को एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी हो, इन तीनों में अपने पास किसका यूज है? कैलकुलस का यूज है। क्योंकि स्पीड की अगर हम बात करें या वेलोसिटी की बात करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद टाइम, dx/dt, स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है किसी टाइम पे, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं बच्चे उसको। क्या बोल देते हैं हम? इंस्टेंटेनियस, कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो, किसके बराबर होगा? डिफरेंशिएशन पोजीशन का, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी हुई, तो हम एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो हम इन दो फॉर्मूले का यूज करेंगे, और कैलकुलस बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलें फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है बच्चों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इक्वल्स टू 7t+4t² ऐसे दे दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये x या s लिखा होता मतलब ये पोजीशन दे रखी है, और आप लोगों से पूछी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब टी जीरो है तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी। पहले तो वेलोसिटी निकालो बच्चों। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt, डिफरेंशिएशन x का किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। आओ डिफरेंशिएशन पे, क्या है? 7 × t, तो 7 तो कांस्टेंट है एज इट इज, वो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन रूल। t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? 1। प्लस अब 4t² का करेंगे तो 4 एज इट इज, t² का क्या हो जाएगा? पावर आगे एक पावर कम। तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितने के बराबर आई? 7+8 × t, ये आई वेलोसिटी एट टाइम t। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब t कितने के बराबर होना चाहिए आपका? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी, यहां v नोट लिख दो कि 0 टाइम पे वेलोसिटी, 7+8 टी की जगह पे क्या रख दो? 0 पे। तो 0 हो गया, कितना आ गया? 7 आ गया। कुछ यूनिट नहीं दे रखी है तो यहां यूनिट्स लिख देना होता है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा बच्चों। इसी में अगर वो पूछ लेता, इसी क्वेश्चन का अगर मैं एक बी पार्ट बना दू कि फाइंड एक्सेलरेशन, क्या कह देता? ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कि भी एक्सेलरेशन और निकालिए। तो बच्चों एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी क्या था? ये था ना वेलोसिटी। तो अब ये 7 यूज नहीं करना है, जो टी का फंक्शन वाला था वो वेलोसिटी यूज करना है। अब उसका डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में। 7 तो कांस्टेंट है, 7 का क्या हो जाएगा? 0। प्लस 8 एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में है कोई कांस्टेंट, टी का क्या हो जाएगा? 1। तो कितने के बराबर आया? 8। अगर यूनिट नहीं पता है अभी तो हम यूनिट्स लिख देंगे। तो आपकी एक्सेलेरेशन कितने के बराबर आई बच्चों? 8 के बराबर आई। किसके बराबर आई? 8। अब फिजिक्स की एक बात बताता हूं यहां से आप लोगों को। जो एक्सेलेरेशन आई है, क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही ना। अगर कभी भी आपकी एक्सेलेरेशन बच्चों टाइम पे डिपेंड ना करती हो, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्या यूज करते हो बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ये ऑप्शन दे देता, ये क्वेश्चन दे देता और फिर ऑप्शन बना देता कि यूनिफॉर्म द बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, या फिर जीरो एक्सेलेरेशन, या नन ऑफ दीज। तो अपना आंसर क्या आना था? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। फिजिक्स भी होगी और ये कैलकुलस भी यूज हो गया। समझ आई कि ना ये बात सबको? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अभी करेंगे उसको।
तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये दिया कि इफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 20 प्लस 2t स्क्वायर देन द बॉडी इज अंडरगोइंग ऑप्शन दे देता हूं क्या क्या ऑप्शन उसमें दिए गए थे आपके पास. ऑप्शन ये दिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पहला क्या आया बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दूसरा ऑप्शन उसमें दिया गया था कि हमारे पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, उसको बोल देते हैं रिटार्डेशन. तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. तीसरा ऑप्शन आया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और बच्चों लास्ट ऑप्शन दिया जीरो एक्सेलरेशन. क्या दिया आपके पास, है जीरो एक्सेलरेशन. किस में से सेलेक्ट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है. अब आइए जरा अपने सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है कि भाई एक्सेलरेशन निकालिए. क्या है एक्सेलरेशन, डीवी बाय डीटी. क्या है, डीवी बाय डीटी. तो डीवी बाय डीटी करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका 20 तो कांस्टेंट है जीरो हो गया, प्लस 2t स्क्वायर का 2ht, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t. तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 4 into t. अब ये देखो क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, हाँ बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट है. क्या है आपके पास, है टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगी. बदलेगी तो कैसी एक्सेलरेशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कैसी एक्सेलरेशन बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. समझ आई बात, क्लियर है, ओके. अब चले तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तो आप कितना समझ पाए हो. क्वेश्चन थर्ड ये दिया गया आपके पास, इफ x इक्वल्स टू 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब. ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बट बहुत पहले था, 2012 का है. इफ x इक्वल्स टू दिस, ये दे रखे आपके पास, तो बोले कि हाउ लॉन्ग, समझना जरा क्वेश्चन को, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट. एक ही क्वेश्चन में तीन तीन बातें, एक ही क्वेश्चन में क्या है, तीन बातें हैं. देखो पहले तो हाउ लॉन्ग मतलब डिस्टेंस निकालना है, एक्स ही फाइंड आउट करना है आपको. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एक्स को ही निकालना है, पहली बात तो ये आई. और पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब हमें वेलोसिटी भी निकालनी, और फिर उस वेलोसिटी को क्या पुट कर देना है, जीरो. क्यों, क्योंकि कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या कर देना होता है, हमें जीरो कर देना है. तो इसका मतलब पहले तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करो. एक्स कितना दे रखा था, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. अब क्या चाहिए आप लोगों को, वेलोसिटी, वो क्या होता है, डीएक्स बाय डीटी. तो डीएक्स बाय डीटी करोगे तो 40 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12 एज इट इज, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस टी क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर, पावर आगे एक पावर कम. तो वेलोसिटी कितने के बराबर आई, 12 माइनस 3t स्क्वायर. बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी को क्या कर दो, जीरो पुट कर दो. वेलोसिटी को क्या किया, जीरो पुट किया. जीरो पुट किया तो टी निकालो यहां से, ये उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया. तो 12 इक्वल्स टू क्या है, 3t स्क्वायर. यहां से टी स्क्वायर कितने के बराबर है, 12 बाय 3 मतलब 4. तो टी कितना आएगा, 2. तो टाइम भी आ गया, कितना आया, 2 सेकेंड. टाइम कितना है आपके पास, 2 सेकेंड. तो ये टी की वैल्यू को पुट कर दो एक्स में, क्योंकि आप लोगों से तो डिस्टेंस पूछी थी.
कि कितना चलेगा, हाउ लॉन्ग, मतलब कितनी दूर तक। तो एक्स इक्वल्स, ये कह रहा था ना, तीन बातें निकालनी आ गई। पहले तो क्या निकालो, वेलोसिटी, उसको जीरो पुट करके क्या निकालो, टाइम, और फिर दोबारा से एक्स में पुट करो। तो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो ये आ गया आपके पास 40 प्लस 24 माइनस क्या है आपके पास 8। तो इसे सोल्व कर लेंगे आप लोग, उम्मीद तो यही करूंगा मैं। तो ये कितना हो गया आपके पास, 40 और 64 और 8, 56 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 56। तो कितने के बराबर आया, 56। यूनिट दे रखी होगी तो ठीक है, नाम यहां पे यूनिट्स लिख देंगे। समझ आया है थर्ड क्वेश्चन भी, पक्की बात है, इसको एक बार और देखना, समझ आएगा अच्छे से। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 पे इन्होंने कहा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, कि इफ x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, ये दिया गया, ये डिस्टेंस दे रखा है। तो बोले फाइंड, क्या करो, फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलेरेशन निकालो, बट वो नेगेटिव हो, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बोल देते हैं बच्चों। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये आपका क्वेश्चन आया। तो डिस्टेंस तो दे दिया, ये पोजीशन तो दे दिया, फाइंड रिटार्डेशन, फाइंड रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, कि एक्सेलेरेशन निकाल लो, क्या निकाल लो, एक्सेलेरेशन। और वो एक्सेलेरेशन भी कब फाइंड आउट करनी है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो के बराबर हो। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो एक्स दे रखा है उसको लिखो, एक्स क्या है, 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v इक्वल्स टू dx बाय dt होता है, सबको पता है ये बात, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 12 एज इट इज, t का t के रिस्पेक्ट में 1, माइनस t क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम। तो ये आ गई वेलोसिटी, कितने के बराबर है, 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब फिर पूछिए क्या थे, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन, तो रिटार्डेशन निकालते तो ये 12 का तो क्या हो गया, कांस्टेंट है ये, तो 0 माइनस पावर आगे 3 के साथ आया तो 6, एक पावर कम। तो a कितने के बराबर आ गया, माइनस 6t। माइनस क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं। बट इन्होंने तो एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन तब पूछी थी ना जब वेलोसिटी जीरो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वेलोसिटी जीरो की बात कह रहे हैं तो वेलोसिटी को जीरो पुट कर देंगे, वेलोसिटी को क्या कर देंगे बच्चों, जीरो पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी को क्या रख देते हैं, जीरो, यहां से रख के टी निकाल लो, टू आएगा, यहां पुट कर दियो, माइनस 12 आ जाएगा। यूनिट दे रखी हो तो ठीक, ना वैसे यूनिट्स लिख देते। वैसे मैं जानता हूं इस बात को कि आप लोगों को यूनिट पता होगी एक्सेलेरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था, समझ आया कि नहीं आया, पक्की बात है। नेक्स्ट पे चले, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, बोले कि फाइंड द टाइम व्हेन एक्सेलेरेशन विल बी जीरो, व्हेन एक्सेलेरेशन विल बी जीरो, वो टाइम निकालो जब एक्सेलेरेशन जीरो के बराबर हो। तो बच्चों क्या करें, पहले तो एक्सेलेरेशन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले क्या निकालो, वेलोसिटी,
वेलोसिटी क्या होता है, डीएक्स बाई डी टी। ए तो कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो ये रह जाती है। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू टी, तो टू ए टी माइनस बी तो एज इट इज। टी क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, तो ये तो वेलोसिटी आ गई। हमें क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन, और उसको क्या रखना है, जीरो। जीरो निकल के क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तब एक्सेलेरेशन चाहिए। इससे मत कंफ्यूज होना, ये ए, हम ए डैश लिख लेते हैं एक्सेलेरेशन को, क्या होगा डीवी बाय डी टी। तो टू ए तो एज इट इज, टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन माइनस थ्री बी तो एज इट इज, टी का करेंगे तो पावर आगे, तो टू और आएगा तो कितना हो गया सिक्स बी, और ये क्या बच गया था एक पावर कम, तो टी इसको क्या रख दो जीरो, इसको जीरो रख के क्या आएगा टू ए माइनस सिक्स बी टी डेट इक्वल्स टू जीरो। यहां से क्या आया टू ए इक्वल्स टू सिक्स इंटू बी इंटू टी, टी कितना आया टू ए बाय सिक्स बी, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आया ए बाय थ्री बी, ए बाय थ्री बी। दिस इज द टाइम जब क्या होगा आपकी एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन क्या होगी बच्चों जीरो। उम्मीद है समझ आई होगी बात, ये भी पक्का ना, सोच लो, सोच लिया। चलो एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स, और इसमें मैं कोशिश करता हूं कि इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को दूं, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे, एक जेई का ही है, आसान है बहुत ज्यादा। इफ एक्स इक्वल्स टू टू माइनस फाइव टी प्लस सिक्स टी स्क्वेयर, प्लस सिक्स टी स्क्वेयर, बोले फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं बल्कि इसके लिए आप लोगों के लिए, क्या लिख देते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है बच्चों सिक्स मीटर पर सेकेंड, थर्ड है माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है थ्री मीटर पर सेकेंड। क्या है, थ्री मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों के ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, कोशिश करियो, ना हो तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, और जो सेवंथ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं दैट इज फ्रॉम एच सी वर्मा। वो क्वेश्चन अपना किस में से है, एच सी वर्मा का है क्वेश्चन नंबर हम जो सेवन करेंगे। तो सेवंथ क्वेश्चन के लिए उन्होंने हमें कहा, इनको साथ के साथ लिख लेना कि हमने कहां से क्वेश्चन उठाया था। वो बोले कि भी एक्स इक्वल्स टू ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी और प्लस डी, ये दे रखा था, ये आपकी पोजीशन दे रखी है। अब उन्होंने क्या बताया, एयर ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू है फोर, सी की वैल्यू है माइनस टू और डी की वैल्यू है फाइव विद सम यूनिट्स, इनकी कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये इन चारों की वैल्यू दी। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, फाइंड फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू फोर सेकेंड, और सेकेंड में फाइंड एक्सेलेरेशन एट टी इक्वल्स टू फोर सेकेंड। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। अब क्या मैं ये फिर से उम्मीद कर सकता हूं कि ये भी आप खुद ही करेंगे, बिल्कुल मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं। बस ए बी सी डी की जगह पे क्या करनी है आप लोगों को, इनकी वैल्यूज पुट करने हैं, बस ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी और डी की जगह पे इनकी वैल्यू रख दो बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, जब कभी भी मैक्सिमा मिनिमा की बात आए तो
तो उसके ऊपर जो अपने क्वेश्चन हैं वो अभी मैं आप लोगों को करवा देता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए मैक्सिमा एंड ए मिनिमा। कंसेप्ट सबको ध्यान होगा मैक्सिमा मिनिमा का, कि भी जिस चीज पे भी मैक्सिमा मिनिमा होना है उसी का डिफरेंशिएशन क्या पुट कर देना होता है, आप लोगों को जीरो पुट कर देना होता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8। इफ एक्स इक्वल्स टू 9t² - t³, इफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये पोजीशन दे रखी है, व्हाट विल बी द पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है समझिए जरा, व्हाट विल बी द पोजीशन व्हेन इट अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड। कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जिसकी पोजीशन ये दे रखी है, और आप लोगों से क्या पूछा गया है कि इसकी पोजीशन ही बताइए, मतलब एक्स ही बताइए जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो एक्स को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी निकालना पड़ेगा, और कब टी, जब स्पीड मैक्सिमम हो। और ये बच्चों मैंने आप लोगों को लेक्चर में बताई थी ये बात थ्योरी के दौरान, कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैक्सिमम स्पीड चाहिए ना, तो स्पीड के ही डिफरेंशिएशन को क्या कर देना होता है, जीरो पुट करना है। पहले तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होता है dx by dt। अब dx by dt क्या आएगा आपके पास, 9 as it is, t square का क्या हो जाएगा 2t, minus t cube का क्या हो जाएगा 3t square। अब for maximum speed, for a maximum speed, speed किसका फंक्शन है, t का, तो t इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, ये है 18t minus 3t square। for maximum speed क्या करोगे उसके लिए, dv by dt को जीरो पुट करोगे। अब dv by dt निकालो, dv by dt करोगे तो 18 into t, 18 as it is, t का t के रिस्पेक्ट में 1 minus 6t कितने के बराबर, जीरो। तो निकालोगे तो बच्चों t कितना आएगा, 3 सेकंड। t 3 सेकंड को x में पुट कर दो, आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो x equals to कितना, 9 t square मतलब 3 का square minus t cube, तो यह 9 इंटू 9 और 3 9 27, तो 81 - 27 हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ पाए हो बात को। तो सोल्व करके आपका आंसर आ जाता 54, जो भी यूनिट दी होती उसके अकॉर्डिंग आंसर होता। तो ये क्या था, जब मैक्सिमा या मिनिमा का कंसेप्ट आए, किसका कंसेप्ट आए, मैक्सिमा या मिनिमा का। ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों, उस दौरान सीबीएसई पीएमटी होता था, तब का क्वेश्चन है। क्लियर हुई है बात, चलें एक और पे। देखो तो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। अच्छा स्लाइड एंड होगी अपनी, इसी को रब कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अगेन एचसीवी, एचसी वर्मा का ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने क्या दिया हमें क्वेश्चन में, ये दिया क्वेश्चन नंबर 9, कि इफ मतलब एक कोई बॉडी थी जिसकी हाइट दे रखी थी, इफ एच इक्वल्स टू ut - 1/2 gt² ये दे रखा था, ठीक है। और इन्होंने कहा कि फाइंड, ये h क्या है, हाइट, किसी बॉल को मान लो ऊपर फेंक रहे हो तो कितनी ऊपर तक जाएगी, ये हाइट है। u इनिशियल स्पीड होती है, जिस स्पीड से आपने उसको फेंका है। तो उन्होंने कहा क्या, फाइंड, ये क्वेश्चन क्या कहा था मैंने, एच सी वी से है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, कि बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों बात फिर वही आ गई ना, मैक्सिमा और क्या मैक्सिमम हाइट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिसके भी वो मैक्सिमा की बात करे उसी के डिफरेंशिएशन को जीरो पुट कर दो। तो मैक्सिमम हाइट मतलब हाइट किसका फंक्शन है, टी का, डीएच बाई डी टी को क्या पुट कर दो, जीरो। अब डीएच बाई डी टी तो निकाल लो, डिफरेंशिएशन एच का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में,
तो यू तो कांस्टेंट है एज इट इज, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, माइनस जी बाई टू भी कांस्टेंट है, टी स्केयर का क्या हो जाएगा 2t, जी कांस्टेंट होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 2 तो जानते यू कांस्टेंट, तो ये आया, इसको कितना रखना था 0, तो इसको यहीं पे रखो, ये उस साइड जाके क्या हो गया 2 से तो 2 को हटाओ, तो ये क्या हो गया उस साइड जाके प्लस जी इंटू टी, तो यहां से टी कितना आया यू बाय जी, तो उस पार्टिकल की उस बॉल की जिसको ऊपर फेंक रहे हो तो मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगा वो, जब टी कितने के बराबर हो U by G के बराबर, किसके बराबर हो बच्चों U by G के बराबर, उम्मीद है समझ आई होगी बात सबको।